अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल, आप सब ठीक है जी। मैं ना अपने फाद दोस्त से मिलने आया हूँ, वो काफ़ी दिनों से ना नाराज़ है। पहले हम दोनों इकट्ठे काम करते थे, साल पहले की बात है। अब मिलना जुलना होता रहता था, आता जाता रहा था। इस तरह ना 5-6 माह हो गए मैंने इसको बुलाया ही नहीं। अब मैं इससे मिलने आया हूँ, देखो क्या करता है। और इसके कहते हैं भाई पिज़्ज़ा खिला, और पिज़्ज़ा मैं ही खिलाऊँगा इसको। और इससे थोड़ा मजाक करते हैं, इन्जॉय करते हैं, बाल चलते करते जी। फाद यहाँ पर काम करता है, यहाँ पे केक एंड बेक्स में ये सेलमैन है। फाद साहब क्या हाल चाल है, तो बुला क्यों नहीं रहे सही आप? छुट्टी करके बाहर ही आ रहे हैं। ये फाद है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये मुझे भाई बुला नहीं रहा 5-6 माह से। तो सुना हो शर्मा क्यों रहे हैं भाई? ये तो फोन करो रो ना। हाँ फाद, पता नहीं की हो गया। हाँ फाद यार, तू काम चाहिए था आदमी ले कर करना, असी भी तेरे डरते नहीं। जी चाचा जी की हाल है, ठीक हो? असी चौकस होके गल करने भाई, डरी डरी हुंदा तू काम ते नहीं जाना। हाँ फाद कर करते हो जी, क्या हाल है भाई, ठीक हो? पागल है तू भाई, बातें आ गई इसको, बड़ा हो गया। ये देखिए चप्पल छुपाई है, छुपा रहा है, घर जाने लगा ये, ऊपर रखने जा रहा चप्पल। पासर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप सुनाओ? और आज मौसम ठंडा है, खिला के रहे हो? चाय पी लो यार, पहले तो ठंड से दूर हो ना, चाय से चाय, बाद में जो हो गए खाने का। पिज्जा खिला यार, पिज्जा या चल जाने, पिज्जा नहीं खिलाएगा, चल चले भाई, पिज्जा खिलाने लगा। हेलमेट भूल गया था भाई, अंदर बाइक चेक कर लेते हैं लोग है कि नहीं लोग, उसके बाद हम चलते हैं। चल आज हेलमेट रखा अंदर जाके, वैसे आज का लाहौर का मौसम ठंडा है, काफ़ी अच्छा है, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। चलते हैं हम जल्दी जल्दी से। भैया आप बताओ, आपकी कुछ ज़्यादा ही मसरूफियत होती है, हो तुम वैसे भी 2020 वाले सामा ही ना, तुमने गाड़ी ली है मसरूफ हो गए भी ना, तुमने कोई क्या नाम है गाड़ी ली है जी, मसरूफियत बड़ी है यार, बाहर मसरूफियत बड़ी है। मैं आप बड़ा लागेगा बस भाई, चल ही रहा काम सारा, चल ही रहा चाली रहा, टाइम निकालना पड़ता है, काम भी देखना होता है, दोस्तों को भी टाइम देना होता है। ये तो है, काम नहीं देते जब तक। ये लास्ट पिज़्ज़ा है, ग्रिल पिज़्ज़ा है, लास्ट पिज़्ज़ा कहने के एक्सेल फैमिली पिज़्ज़ा, ये लास्ट पिज़्ज़ा 6 किलो डेढ़ होगा 1800 में। आज खा लेगा पिज़्ज़ा, देख ले जो ने यस यस, दो चीज़ स्लाइस इनमें करने हैं जी। हमने पिज़्ज़े का ऑर्डर दे दिया, इसमें ये है कि लॉकडाउन चाह रहा है तो सिटिंग एरिया तो नहीं है बैठने का, वो भेज कर रहे हैं कि प्यार मोहब्बत कर लेते हैं आपको, और आपको बैठने की जगह कर लेते हैं कि बंदोबस्त जगह तो मिली है। खैर अभी ऑर्डर लगा हुआ है, और मेरे साथ ये फाद भाई बैठे हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कितना टाइम लगे जी। ये फाद भाई बैठे हैं, इधर उधर देख रहे हैं जी। अभी तक पिज़्ज़ा आया नहीं है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। अरे फाद साहब को भूख लगी है कि नहीं लगी, अल्लाह जानता है। लगी हुई होने का मैं कहा जाकर रोटी भाई मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं सारे काम छोड़ के आया, मैं फाद से मिल ही जाता हूँ। अभी पिज़्ज़ा आते हैं इंशाल्लाह, फिर जल्दी जल्दी ख़त्म कर देना है जी। पिज़्ज़ा आ चुका है, वो भाई साहब स्टेटस बना रहे हैं, इसके बाद वो स्टेटस लगाएगा, उसके बाद हम पिज़्ज़ा शुरू करते हैं जी। चलो फाद साहब शुरू करो पिज़्ज़ा। चल यार पिज़्ज़ा शुरू कर, चलो फाद साहब पिज़्ज़ा चुक लो। इतना टाइम बंद कर दे यार, तुम भी कसम है वो कर बंद कर, ये सिलाई छोटे ही ला गए, छोटे ही नहीं मीडियम में ला थोड़ी ना। ओके कोई नहीं, दो तो ही सही यार, ऐत ला चल चुप, पीने में काबू आ रहा
बड़ा मजा आया। खाई जा रहा हड्डी खाई जा रहा यार, माफी दे दे हड्डी को। कैसा यार हड्डी नहीं छोड़ रहा, इतनी भूख लगी थी। ओए होए अल्लाह माफ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हां साहब ओए हड्डी को छन्नी छन्नी कर दिया इसने। ठीक है यार चलते हम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात नेक्स्ट व्लॉग में।